हमारी सरकार सतत विकास के लिए प्रयत्नशील है और हम पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरता से विचार कर प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य की पर्यावरणीय धरोहरों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सकल पर्यावरणीय पार्क की परिभाषा को अधिसूचित कराया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की नकारात्मक बाह्यताओं को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रभाव को कम करके स्थायी तथा विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरणीय संपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करके राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों के सामंजस्य द्वारा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। इससे विभिन्न विकास परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को न्यूनतम किया जा सकेगा। पर्यावरण निदेशालय द्वारा राज्य पर्यावरण रिपोर्ट को बनवाया जा रहा है। मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना है या उत्तराखंड के क्षेत्रों के पर्यावरण संबंधी चिंताओं और मुख्य मुद्दों का प्राथमिकता के स्तर पर सविस्तार विश्लेषण करेगी। राज्य द्वारा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न सेक्टर जल संसाधन कृषि और एवं औद्योगिकी वन उद्योग ऊर्जा स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास शहरी विकास एवं आवास पर्यटन एवं संस्कृति विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा सड़क एवं परिवहन के विभिन्न विभागों का कार्बन उत्सर्जन तथा उन विभागों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा कल्याण और सशक्तिकरण माननीय अध्यक्ष जी हमारी कार्यप्रणाली अंत्योदय की परिकल्पना के अनुरूप है। व्यक्ति परिवार समाज व राष्ट्र एक दूसरे के पूरक और स्वाभाविक सहयोगी हैं। कमजोर लोगों को सशक्त कराने के उद्देश्य से हम समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं सैनिक कल्याण व नागरिक आपूर्ति आदि विभागों के तत्वावधान में अनेक कल्याण योजनाएं संचालित कर रहे हैं। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो माननीय अध्यक्ष जी हम मारे नहीं मजबूत इरादे लेकर आए हैं। सबका कल्याण करने के इरादे के साथ हमने न केवल पति व पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना से वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु 132.22 करोड़ की धनराशि का प्रावधान आयव्यय में किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी सबका साथ सबका विकास संख्या 31 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु राजस्व मद में 437 करोड़ 24 लाख तथा पूंजीगत मद में 139 करोड़ 59 लाख का प्रावधान प्रत्यक्ष से किया गया है। अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने उत्पन्न करने उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण पुनर्जीवीकरण व उन्नयन करने एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देते हुए स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित की जा रही है। अध्यक्ष जी भारतीय स्त्रियों के लिए लगभग एक शताब्दी पूर्व मजाज लखनवी ने कहा था कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
राज्य हैं जो माँ के रूप में महिला के कोमल आंचल तले ही नहीं बल्कि उसकी मेहनत के परचम तले भी उपजे हैं। पहाड़ की महिला उस पर्वतीय जल धारा के समान है जो जीवन की पहाड़ नुमा चुनौतियों को काटते हुए अपनी राह बनाती है और अपने आंचल में सभ्यताओं को संजोती है। हम यह मानते हैं कि इस पर्वतीय राज्य के विकास की धुरी महिला है। महिला एवं बाल विकास हमारी प्राथमिकता है, इसलिए केंद्र पोषित योजनाओं को हमने पूर्ण लगन से लागू किया है तथा विभिन्न राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से भी यथासंभव महिला एवं बाल विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। अध्यक्ष जी, समग्र रूप से आगामी आय व्यय में महिला एवं बाल विकास के 4 प्रमुख आयाम है। पहला आयाम है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल हेतु सक्षम आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0। दूसरा आयाम है बाले देखभाल एवं सुरक्षा हेतु समर्पित मिशन वात्सल्य। तीसरा आयाम है महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति। चौथा आयाम है कन्या की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नंदा गौरव योजना। सक्षम आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0 के अंतर्गत ICDS पोषण अभियान किशोरी महिलाओं के लिए योजना तथा नेशनल क्रेच योजना को संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में 105 बाल विकास योजनाओं द्वारा 20,067 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6,95,082 बच्चों एवं 1,82,384 गर्भवती धात्री महिलाओं को ICDS की सेवाएं दी जा रही हैं। ICDS सेवाओं को पोषण अभियान के रणनीतियों से जोड़कर कुपोषण को निर्धारित टाइम फ्रेम में चरणबद्ध रूप से मिटाने के उद्देश्य से अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना संचालित की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य निगरानी हेतु सुसज्जित एवं सक्षम बनाया जा रहा है। योजनाओं के वर्गीकरण का यह पहला आयाम जहां मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण पर केंद्रित है, वहीं दूसरे आयाम की प्रतिबद्धता है देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु समर्पित मिशन वात्सल्य, जिसके अंतर्गत बाल संरक्षण सेवाओं का संचालन कर देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 12 फास्टर केयर होम में 84 बच्चे तथा 4 ओपन शेल्टर होम में 200 बच्चे पंजीकृत हैं। देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे हेतु स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 40 बच्चों को प्रत्येक माह 2,000 रुपए की धन सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मिशन वात्सल्य की भावना के अनुरूप कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना संचालित की जा रही है, जिसमें प्रभावित परिवारों के 4,057 बच्चों को 3,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जा रही है और पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत 44 बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की सेवाएं प्रदान की जा रही है। मातृत्व व सुरक्षित बचपन विकसित समाज का दर्पण है। सशक्तिकरण महिलाओं के विकास रथ का ईंधन है। इसी कारण महिला एवं बाल विकास के तीसरे आयाम की प्रतिबद्धता महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के लिए समल स्वरूप वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला हेल्पलाइन स्वाधार तथा उज्ज्वला तथा विंडो होम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हम शिक्षा को सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम मानते हैं तथा प्रत्येक कन्या को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अपने दृष्टि पत्र में कहा था, हम उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में 3 निशुल्क LP सिलेंडर भरा कर देंगे। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर फ्री रिफिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 में आयोग में इस योजना हेतु धनराशि 55.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश के सेवारत सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। दुष्पथ में हमने संकल्प लिया था कि हम देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैनिक धाम और संग्रहालय का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 के आय व्यय में शौर्य स्थल हेतु धनराशि 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा सैनिक कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना व पुलिस बल में भर्ती हेतु भर्ती पुरुष प्रशिक्षण योजना, पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों को कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, गैर वीरता पदक धारक सैनिकों को एकमुश्त अनुदान, राज्य के वीरता पदक धारक सैनिकों को एकमुश्त अनुदान एवं इंडी द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को मासिक अनुदान, विभिन्न युद्धों एवं सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैन्य तथा अर्धसैनिक बलों के सैनिक की विधवाओं एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एकमुश्त अनुदान एवं आवासीय योजना, सहायतारत सेनाओं में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह ग एवं घ की सेवाओं में रोजगार, ब्लैक प्रत्येक ब्लॉक में सैनिक प्रतिनिधियों को मानदेय, सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण एवं अनुरक्षण, राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पुरुष सैनिकों को गृह करने छूट। अध्यक्ष जी, अग्नि राज्य और देश की एक पहचान क्रीड़ा एवं खेल से भी बनती है। इसे तो हमारी सरकार ने सामुदायिक फिटनेस उपकरण ओपन जिम की सुविधा को प्रत्येक गांव पंचायत स्तर पर एवं शहरी स्थानीय निकाय तक संप्रेषित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। इसे तो नगर पालिकाओं में पार्क और ओपन जिम की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 10 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मई 2022 में ब्राजील में आयोजित 14वां समर डेफ ओलंपिक में हमारे प्रदेश के उद्यमान खिलाड़ी श्री अभिनव देसवाल एवं शौर्य सैनी द्वारा 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में क्रमशः स्वर्ण व रजत पदक जीतकर राज्य व देश का नाम गौरवान्वित किया है। मई 2022 में आयोजित थॉमस कप में हमारे प्रदेश के लक्ष्य सेन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस टीम द्वारा पहली बार प्रतिष्ठित थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतकर भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों की शानदार उपस्थिति निस्संदेह भविष्य में और खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12,27,700 प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, ₹2 प्रति किलोग्राम गेहूं एवं ₹3 प्रति किलोग्राम चावल की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय के 1,84,000 कार्ड धारकों को प्रति माह प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, ₹2 प्रति किलोग्राम गेहूं एवं ₹3 प्रति किलोग्राम चावल की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के 9,94,000 कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड ₹8.60 प्रति किलोग्राम गेहूं तथा ₹11 प्रति किलोग्राम चावल के दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविड-19 ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य में अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित अंत्योदय एवं प्रारंभिक प्राथमिक परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क नियमित मासिक आवंटन के अतिरिक्त वितरित किया गया है तथा इस योजना को पुनः मई 2021 से प्रारंभ किया गया है। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2022 तक 3,809 कार्ड धारक लाभान्वित हुए हैं। राज्य में माह सितंबर 2019 से मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त
राशन कार्ड धारकों को प्रतिकार 2 किलोग्राम दाल सस्ती दरों पर वितरित कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सितंबर 2019 से मार्च 2022 तक 35,804.96 मैट्रिक टन दाल वितरित की गई है। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के दुर्विनियोग व कालाबाजारी को रोकने हेतु एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत राज्य में राशन कार्डों का 100% डिजिटाइजेशन कर आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। राज्य की समस्त 9,225 सस्ता गल्ला विक्रेताओं की ऑटोमेट कर दिया गया है। रबी खरीद सत्र 2021-22 में कृषकों से खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। खरीद सत्र 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 11,864.30 मैट्रिक टन धान का क्रय किया गया है, जिसका MSP दरों पर 100% भुगतान कृषकों को कर दिया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अध्यक्ष जी, आम जनमानस तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुलभ कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताओं एवं चित्रवीही आबादी के कारण यद्यपि स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ कराना बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, तथापि हमारी सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु अनवरत रूप से प्रयासरत है। उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड योजना लागू की गई है। इस योजना के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी तक 42,83,000 व्यक्तियों का के आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। कैशलेस उपचार के लिए राज्य के अंतर्गत 102 राजकीय एवं 122 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए हैं। उपचार के लिए नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल में 4,54,000 मरीज भर्ती हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्यय में इस योजना हेतु धनराशि 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार के प्रयासों से शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी निरंतर सुधार हो रहा है। अब शिशु मृत्यु दर 38 प्रति 1,000 से घटकर 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गई है। यह ग्राफ देश के प्रमुख बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी 41 से घटकर 30 हो गई है। राज्य में कैंसर पीड़ित मरीजों की सुविधा के लिए 7 जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली में डे केयर कैंसर यूनिट का संचालन आरंभ हो रहा है। अब कैंसर पीड़ित मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा घर के समीप ही मिल पाएगी। सरकार द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों का तक बीमार रोग से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क तथा न्यूनतम दरों पर डायलिसिस की सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत OPD, IPD एवं इमरजेंसी के दौरान 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इस योजना के संचालन हेतु अनुबंधित निजी सेवा प्रदाता के स्तर पर से लगभग 500 मानव संसाधन का रोजगार भी सृजन हो रहा है। वह कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग 8,503.70 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 3.07% है। लोक लेखा में समायोजन वर्ष 2022-23 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹1,700 करोड़ लोक लेखा से समायोजित किए जाएंगे। शेष वर्ष 2022-23 के अनुमानित प्रारंभिक शेष ₹298.62 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात अंतिम शेष ₹301.68 करोड़ धनात्मक रहना अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्रिमंडल के
अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन का उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।